नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ महंगाई पेट्रोल पदार्थ में वृद्धि सहित 10 सूत्री मांगों को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी वालों ने विरोध प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बुधवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस दौरान भाकपा नेताओं ने कहा कि महंगाई से जनता का बुरा हाल है, दवा, बिजली, पेट्रोल पदार्थ आदि के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसमें किसान, गरीब व मध्यम वर्ग पूरी तरह से तबाह हो गया है। बावजूद इसके सरकार जनता की इन मूलभूत सुविधाओं का कोई ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार पेट्रोल पदार्थ, गैस, बिजली सहित अन्य बढ़ी हुई दरों को कम करे, जिससे कि जनता को कोई परेशानी नहीं होगी। आज वामपंथी संगठनों के राष्ट्रीय आह्वान पर महंगाई से लेके लोकतंत्र और जो कोविड से मारे गए हैं, इन तमाम सवालों पर पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है। आजमगढ़ में भी हम लोग इन्हीं सवालों पर आज प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पूरे देश में डीजल, पेट्रोल, गैस सहित खाद्य पदार्थों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि है। लॉकडाउन के चलते जनता की खुद ही रोजी रोटी समाप्त हो गई है और जनता गंभीर संकट में है। उसके बावजूद भी सरकार इन सवालों पर एकदम ध्यान नहीं दे रही है। हम लोग इसी सवाल पर सरकार से मांग कर रहे हैं कि तमाम जो बड़ी महंगाई है इसे वापस लिया जाए, और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग आने वाले दिनों में आंदोलन को इन सवालों पर, महंगाई के सवाल पर, लोकतंत्र के सवाल पर और कोविड से मारे गए लोगों को सरकार कह रही है 4 लाख मुआवजा का, पहले बात कर रही थी, अब कह रही है कि हम देने में सक्षम नहीं हैं। और हम ये कह रहे हैं कि महामारी तो थी, लेकिन उसके साथ साथ सरकार अस्पतालों का व्यवस्था दुरुस्त नहीं की है, जिसके चलते और ऑक्सीजन के अभाव में जगह जगह लोग दम तोड़े हैं। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, उन्हें 10 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। इन मांगों के साथ हम लोग आज जिला मुख्यालय पर आए हैं, आने वाले दिनों में और आंदोलन तेज करेंगे। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।